धर्म में आज हम बात करेंगे होली की। आप सोचेंगे कि होली में तो अभी काफी समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही होली की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक होली से 8 दिन पहले ही उसकी रंगत फिजाओं में घुलने लगती है और इसलिए होलाष्टक के रूप में होली की मस्ती छाने लगती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं होलाष्टक की महिमा के बारे में, साथ ही आपको बताते हैं होलाष्टक की पुरातन मान्यताएं भी। हर ओर होंगी खुशियां और उमंग, लेकिन अब शुभ काम हो जाएंगे बंद। क्योंकि होने वाला है होलाष्टक का शुभारंभ। रंगों और उमंग से भरे होली के दिन बेहद करीब हैं। रंग बिरंगे रंगों में सराबोर होने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन अब कल से शुभ काम बंद हो जाएंगे क्योंकि कल से शुरू हो जाएगा होलाष्टक। होलाष्टक क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है, हम आपको आज इस बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। हम आपको होलाष्टक से जुड़े पौराणिक और वैज्ञानिक तथ्य भी समझाएंगे। ज्योतिष के जानकारों का मानना है खुशियों और रंगों के त्योहार होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होली के 8 दिन पहले हो जाती है। इस काल का विशेष महत्व है, इसी में होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। होलाष्टक के विषय में कई धार्मिक मान्यताएं हैं। मान्यता है कि होलाष्टक की शुरुआत वाले दिन ही शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस काल में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बाद किए जाने वाले कार्य कर सकते हैं। इस बार होलाष्टक 2 मार्च से शुरू होगा। हर पर्व और त्योहार का धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। होलाष्टक का भी अपना महत्व है और इसका संबंध होली से जुड़ा है, जो खुशियों और भाईचारे का प्रतीक है। ज्योतिषी मानते हैं कि होलाष्टक की अवधि भक्ति की शक्ति का प्रभाव बताती है। इस अवधि में तप करना ही अच्छा रहता है। होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उसे जमीन पर लगाते हैं। इसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांध देते हैं। इसे भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि सतयुग में हिरण्यकश्यपु पहले विष्णु का पार्षद था और शापवश दैत्य के रूप में जन्मा था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान पा लिए थे। वरदान के अहंकार में डूबे हिरण्यकश्यप ने देवताओं सहित सबको हरा दिया। उधर भगवान विष्णु ने अपने भक्त के उद्धार के लिए अपने अंश प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ में भेज दिया था। नारद जी की कृपा से प्रहलाद जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी हो गए थे। प्रहलाद का विष्णु भक्त होना पिता हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लग रहा था। राज्य के अन्य बच्चों पर प्रहलाद की विष्णु भक्ति का प्रभाव पड़ता देख पहले तो हिरण्यकश्यप ने उसे समझाया, फिर ना मानने पर प्रहलाद को भक्ति से रोकने के लिए फागुन शुक्ल अष्टमी को बंदी बना लिया। प्रहलाद को जान से मारने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी गईं, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्ति के कारण भयभीत नहीं हुए। वो विष्णु कृपा से हर बार बच गए। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देख उनकी बहन होलिका आई। होलिका को ब्रह्मा ने अग्नि से न जलने का वरदान दिया था। प्रहलाद को जलाने के लिए उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई होलिका, लेकिन देव कृपा से वो स्वयं जल मरी। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तभी से भक्त पर आए इस संकट के कारण इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो होलाष्टक के दिनों में आप भी रखें कुछ खास बातों का ध्यान, ताकि ना बिगड़ जाए आपके बने बनाए काम। तो लीजिए बस प्रभु का नाम, प्रभु कृपा से जीवन में मिलेंगी खुशियां तमाम। हिंदू धर्म शास्त्रों में होलाष्टक की महिमा और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसे में एक सवाल आपके दिमाग में ये भी आएगा कि आखिर होलाष्टक मनाया कैसे जाता है और होलाष्टक का वैज्ञानिक आधार क्या है। आगे हम आपको यही बताने जा रहे हैं।
हर पर्व और त्योहार का अपना धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है और इसी आधार पर ये मनाए जाते हैं। होलाष्टक की पौराणिक मान्यता और इसके धार्मिक महत्व को तो आपने जान लिया। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि होलाष्टक का वैज्ञानिक आधार क्या है। मौसम के परिवर्तन के कारण मन अशांत, उदास और चंचल रहता है। इस मन से किए हुए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं हो सकते। इस समय मन को आनंदित करने के कार्य किए जाना बेहतर होते हैं। इस समय मन को आनंदित करने के कार्य करने चाहिए। इसलिए जैसे ही होलाष्टक समाप्त होता है, रंग खेलकर हम आनंद में डूबने का प्रयास करते हैं। ये तो होलाष्टक का वैज्ञानिक आधार है। अब ये जानना जरूरी है कि होलाष्टक के दिन क्या किया जाता है, यानी होलाष्टक की शुरुआत के साथ क्या किया जाता है। होलाष्टक के दिनों में ही संवत और होलिका की प्रतीक लकड़ी या डंडे को गाड़ा जाता है। इस समय में अलग अलग दिन अलग अलग चीजों से होली खेलते हैं। पूरे समय में शिव जी या कृष्ण जी की उपासना की जाती है। होलाष्टक में प्रेम और आनंद के लिए किए गए सारे प्रयास सफल होते हैं। होलाष्टक की शुरुआत के साथ ही होली दस्तक देगी और फिजाओं में होली के रंग बिखरेंगे और हर ओर खुशियां ही खुशियां होंगी। होलाष्टक के साथ ही बंद हो जाएंगे शुभ कार्य, लेकिन कुछ जगहों पर होलाष्टक के अशुभ प्रभाव नहीं माने जाते। लोग मान्यता के अनुसार तीर्थ स्थान पर होलाष्टक का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। शत्रुद्रा, विपाशा, इरावती और पुष्कर सरोवर, इसके अलावा बाकी सब स्थानों पर होलाष्टक का अशुभ प्रभाव नहीं होता है। पंजाब और उत्तर भारत के अलावा अन्य जगहों पर होलाष्टक का प्रभाव नहीं माना जाता है। जन्म और मृत्यु के पश्चात के कार्य निश्चित होते हैं, इसलिए वो किए जा सकते हैं। तो कर लीजिए होली की तैयारी, क्योंकि कल से ही शुरू हो रहा है होलाष्टक का पर्व और हरिहर की कृपा से बनेंगे सभी काम।